Hey everyone, welcome back. ये कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर की जो एक बहुत ही अनोखी टैक्सी चलाता है। इस टैक्सी में सिर्फ आत्मा ही बैठ सकती है और वो इन आत्माओं की आखिरी विशेष को पूरी करने में उनकी मदद करता है, जिसके बदले वो आत्माएं उसे बहुत से पैसे देती है। लेकिन आखिर इस टैक्सी के पीछे राज क्या है? इस ड्रामा का नाम है डिलीवरी मैन एंड ये कहानी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये एंड में आपको इमोशनल कर देगी। ये वीडियो बड़ी होगी क्योंकि मैंने इसमें पूरे ड्रामा को एक्सप्लेन किया है, इसलिए आप प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर से देखना। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस ड्रामा में कई सारे कैरेक्टर्स हैं, इसलिए आप उनके नेम की जगह मेरे नरेशन पर ज़्यादा गौर करना। कहानी की शुरुआत होती है यंग मिन नाम के एक टैक्सी ड्राइवर से। वो एक कॉलेज स्टूडेंट था और अपनी मॉम और ग्रैंडमा के साथ रहता था। लेकिन कुछ ही महीनों पहले उसकी मॉम की टैक्सी के पास उन्हें कोई बाइक वाला आकर मार देता है और तब से घर की सारी जिम्मेदारी यंग मिन के ऊपर आ गई थी। उसने कॉलेज छोड़कर अपनी ग्रैंडमा का ध्यान रखने के लिए मॉम की टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। वो सुबह से रात तक पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता था। आज जब एक पैसेंजर कहते हैं प्लीज़ थोड़ी जल्दी करना, तो वो तेज़ी से उन्हें उनके बच्चे के स्कूल पर पहुंचा देता है। जब वो अपनी बेटी से मिल बहुत खुश होते हैं, उनकी खुशी देख यंग मिन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। इसके बाद हम यंग मिन के एक दोस्त सियोक से मिलते हैं। उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, पर उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था ताकि वो अपने दम पर कुछ कर सके। सियोक ने टैक्सी चलाने का काम शुरू किया और आज उसके अंदर कई सारे टैक्सी आते हैं। आज शाम सियोक यंग मिन के साथ अपने महंगे इटालियन स्पीकर को लेने के लिए जा रहा था, पर उनके पहुंचने से पहले कुछ चोर उसे लेकर भाग जाते हैं। सियोक की काफी बोलने के बाद यंग मिन उनका पीछा करता है और ऑफिसर्स के साथ मिलकर वो उन्हें पकड़ लेता है। ये चोर हर शाम ऐसे ही चोरियां करते थे, इसलिए ऑफिसर्स यंग मिन का खासकर शुक्रिया अदा करते हैं उनकी मदद करने के लिए। अब अगली सुबह यंग मिन ग्रैंडमा और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाकर काम पर निकल जाता है। जब वो टैक्सी का दरवाजा ओपन कर रहा था तो उसके हाथ में कुछ कॉइन्स थे जो नीचे गिर जाते हैं। उन्हें उठाते हुए उसे कार की बैक सीट पे एक वाइट कलर का फ़ोन मिलता है। ये बहुत ही पुरानी मॉडल का था। यंग मिन इसे देख सोचता है शायद ये फ़ोन उसके किसी पैसेंजर का हो। वो इसे ओपन करने की कोशिश करता है पर अचानक उसे जोर का झटका लगता है। तभी फिर सामने से एक आदमी वहां पर आते हैं। ये घर की किश्तें लेने आए थे। वो यंग मिन को बताते हैं 3 महीने से तुमने घर की एक भी लोन की पेमेंट नहीं की है, अब अगले महीने ये घर ऑक्शन कर दिया जाएगा, पर अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो इस महीने किसी भी हाल में 10 लाख का अमाउंट तुम्हें देना होगा। यंग मिन ये सुन एकदम शॉक में चला गया था। कितना बड़ा अमाउंट वो इतनी जल्दी कहाँ से लाए? अब रात को वो टैक्सी चला रहा होता है, अचानक कुछ भूत जैसी पैसेंजर्स उसकी टैक्सी में बैठ जाती है। वो उन्हें देख बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिस पर वो लोग कहते हैं हमें कब्रिस्तान ले चलो। वहाँ पहुंचकर वो देखता है एक फिल्म का सेट बना हुआ है। डायरेक्टर काफ़ी रियलिस्टिक फिल्म बना रहे थे। उन्हें उतारने के बाद वो अपने घर की ओर आने लगता है। तभी उसे सामने की मिरर पे पीछे बैठी एक लड़की दिखाई देती है। इसने भी भूतों वाला मेकअप लगा रखा था। इसे देख यंग मिन डर जाता है और कहता है आपकी दोस्त तो पहले उतर गई, आप अब तक यहाँ पर क्यों बैठे हो? वो कहती है मैं भी उतर जाती हूँ, प्लीज़ गाड़ी को रोक दो। वो गाड़ी को रोकता है पर वो लड़की बिना डोर ओपन किए यूं ही आर पार हो जाती है। फिर वो आगे की ओर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही अचानक कोई फोर्स उसे वापस कार में ले आती है और यंग मिन ये देख वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह सुबह यंग मिन की आँख खुलती है। वो खुद से कहता है जरूर कल रात मैंने कोई सपना देखा होगा। तभी उसे साइड में वही लड़की दिखती है। वो डरकर गाड़ी से बाहर पेड़ के पास आकर छिप जाता है। एक ऑफिसर कार को बीच रोड में पार्क देख उसे हटाने के लिए आते हैं, तो यंग मिन उसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी कार के अंदर कोई है, प्लीज आप अंदर देख सकते हो? वो देखते हैं तो कार खाली थी। यंग मिन चैन की सांस लिए अंदर आता है एंड उसे देख वो दोबारा डर गया था। वो कहती है मिस्टर ड्राइवर क्या आप जानते हो मैं हूं कौन और मैं यहां पर कैसे आ गई आपकी कार में? यंग मिन कहता है मुझे क्या पता, तुम जो भी हो प्लीज यहां से चली जाओ। लेकिन वो लड़की या कहीं वो आत्मा उस टैक्सी से कहीं नहीं जा सकती थी। वो अगर थोड़ी दूर भी जाती तो उस कार में वापस चली जाती, मानो किसी चीज या कारण से वो वहां पर बंधी हुई हो। दूसरी तरफ हमें ग्रेवयार्ड के पास एक ओल्ड आदमी को देखते हैं। वो अपनी बेटी को देखने के लिए आए थे। वहीं ऑफिसर्स के पास से मैसेज आता है आपकी बेटी का केस दूसरे ऑफिसर्स को दे दिया गया है, जल्दी वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। तभी हम ग्रेवयार्ड के पास उनकी बेटी की फोटो को देखते हैं और ये लड़की वही थी जिसकी आत्मा यंग मिन की कार में है। हम था जीहुन। अब दोबारा हम टैक्सी में आ जाते हैं। यंग मिन जीहुन की आत्मा के साथ अब पैसेंजर्स ढूंढ रहा था, पर यहाँ उन दोनों को ही जीहुन की पहचान का अंदाजा नहीं होता। अब पैसेंजर्स जब भी टैक्सी में बैठ रहे थे तो उन्हें एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है, जिस वजह से हर बार वो आधे रास्ते में ही टैक्सी को छोड़ दे रहे थे। यंग मिन का बिजनेस पूरा खराब हो जाता है, कोई पैसेंजर्स आज उसे मिलते ही नहीं। वो टेंशन में आ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोन का अमाउंट कैसे चुकाएगा, और ऊपर से ये जी उनकी आत्मा उसके पीछे पड़ चुकी है। कुछ देर बाद रात को वो उसे घर लेकर आ जाता है, पर उसने अपनी टैक्सी को घर से काफ़ी दूर पार्क किया था, पर न जी उनकी आत्मा घर आ जाती क्योंकि वो कार से थोड़ी दूर तक आ जा सकती है। यंग मिन के जाने के बाद जीहुन उस जगह को आसपास देखती है और उसे ये जगह जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो यहाँ पर पहले भी कभी आई हो।
घर पे ग्रैंडमा यंगमिन को देखते ही उसे बहुत डांट लगाती है कि वो पूरी रात घर से बाहर क्यों था। रात को सपने में भी यंगमिन को भूत ही नजर आ रहे थे। अब अगली सुबह ग्रैंडमा उससे कहती है कि वो उसके साथ शॉपिंग पे जाएगी। वो बहुत मना करता है क्योंकि टैक्सी के अंदर जीहून की आत्मा होगी, पर वो नहीं सुनती। जीहून ग्रैंडमा को देख हेलो करती है, पर ग्रैंडमा उसे नहीं देख सकती थी। रास्ते में उन दोनों की लड़ाई के कारण कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड ग्रैंडमा को फिर अकेले ही घर आना पड़ता है। इसके बाद यंगमिन को वैसे ही कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे तो उसका मूड पूरा ऑफ था। तभी शाम को उसे रास्ते में एक डॉक्टर नजर आते हैं। वो उसकी टैक्सी में आसानी से बैठ पाते हैं, उन्हें कोई भी अजीब फीलिंग नहीं होती। उन्हें हॉस्पिटल छोड़ने के बाद यंगमिन जीहून की आत्मा को बताता है, ये डॉक्टर वही है जिन्होंने मेरी मॉम का इलाज किया था। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम की मौत वाले दिन डॉक्टर दोजे नहीं उनका इलाज किया था, पर उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उनकी जान बचाई जा सके। आज बहुत दिनों के बाद वो उनसे मिला था तो उनका शुक्रिया अदा करने वो उनके लिए खाना लेकर जाता है। उस हॉस्पिटल में उसकी एक फ्रेंड सूरी भी एज ए नर्स काम करती थी एंड यंगमिन उन दोनों को ही थैंक यू कहता है उस दिन के लिए। जिसके बाद वो घर आ जाता है जहाँ जी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज टैक्सी को घर के पास पार्क कर दो क्योंकि बाहर में लाइट्स नहीं रहती तो मुझे डर लगता है। वो कहता है भूतों को भी अंधेरे से डर लगता है, पर फिर वो उसकी बात मान जाता है। जी उनको वो घर और आसपास का एरिया काफी ज्यादा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसकी याददाश्त चली जा चुकी थी तो उसे कुछ भी याद नहीं आता। अब अगले दिन जीहून एकदम ओबीडियंट हो गई थी क्योंकि उसे यंगमिन ने बता दिया था उसे घर के लोन का अमाउंट चुकाना है, इसीलिए वो कहती है अब से पैसेंजर्स को तुम मेरी सीट पर बैठाना और मैं खुद पीछे चली जाऊंगी, इससे उन्हें दिक्कत नहीं होगी। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है, यंगमिन दरवाजा ओपन करता है। वो आदमी उन्हें देख हैरान होकर पूछते हैं, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो और क्या मैं सच में अंदर आ जाऊं? यंगमिन उनकी बात समझ नहीं पाता और कहता है बिल्कुल, पर वो दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाते हैं और यहीं तीनों के एक्सप्रेशंस नेक्स्ट लेवल थे क्योंकि यह आदमी भी एक भूत है, मिस्टर बियन। अब टैक्सी को साइड में पार्क कर यंगमिन उन दोनों से कहता है, टैक्सी कोई भूतों का अड्डा है, एक पे घोस्ट मुझे फ्री में मिल रहे हैं। वो गुस्से में टैक्सी को बेचने के लिए जाता है ताकि दोनों भूतों से वो एक साथ फ्री हो सके, लेकिन वहां पर एक तीसरा भूत आ जाता है। वो आदमी उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है। दरअसल उस आदमी की मौत से पहले उसकी बेटी की जान बहुत ही खतरे में थी और वो उसके इलाज के लिए गोल्ड ज्वेल्स को बेचने के लिए जा रहा था, पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वहां पर वो यंगमिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन गोल्ड ज्वेल्स को उनकी बेटी को जाकर दे दे जो हॉस्पिटल में है। यंगमिन सब कुछ भुलाकर उनकी मदद के लिए जाता है। उसके बाहर वो बच्ची अकेली थी। जैसे ही मदर अंदर से वापस बाहर आती है तो उनकी बेटी कहती है, मॉम अब आपको मेरे इलाज के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फादर के एक फ्रेंड आए थे उन्होंने मुझे यही दिया और कहा कि फादर ने देने को कहा था। ये सुन उसकी मॉम के होश उठ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर यंगमिन जीहून और मिस्टर बियन तीनों ही इमोशनल हो गए थे एंड पास में ही उस बच्ची के फादर भी खड़े थे। को खुश देख वो गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि एक बार उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तो वो गायब हो जाएंगे। तभी वो बच्ची यंगमिन के पास आकर उसके हाथ में एक गोल्डन रिंग देती है और कहती है, फादर ने कहा था आपको ये देने के लिए, थैंक यू अंकल मेरी मदद के लिए। ये देख यंगमिन का दिल भर आता है। यंगमिन को एक आइडिया देती है, अब क्योंकि दो दो आत्माएं उसकी टैक्सी में है तो कोई पैसेंजर तो आने नहीं वाला, तो क्यों ना वो इस टैक्सी को एक घोष टैक्सी बना दे जहां पर वो आत्माओं की आखिरी इच्छा को पूरा करेंगे और उसके बदले उन्हें ऐसे ही गोल्ड या फिर पैसे दे सकती है जो उन्होंने इस पूरी जिंदगी में इंसान के रूप में कमाया हो। यंगमिन को यह आइडिया बहुत पसंद आता है एंड वो सपने देखने लगता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया है। तभी मिस्टर बियन पीछे से कहते हैं उनके पास कई सारे गोल्डन बिस्किट्स हैं जिनका अमाउंट 16 लाख का होगा, यानी एक ही बार में यंगमिन अपने सारे लोन को चुका पाएगा। वो लोग तुरंत के घर के लिए निकलते हैं, पर वहां पहुंचते ही मिस्टर बियन एक सच रिवील करते हैं कि उनके पास सिर्फ एक ही गोल्डन बिस्किट है जिसका अमाउंट सिर्फ 2 लाख का होगा। यंगमिन का यह सुन गुस्सा सातवें आसमान में था कि घोष मिलकर उसे पागल कर देंगे। उसे अपनी आखिरी इच्छा के बारे में बताते हैं कि दरअसल उनकी वाइफ है और जब वो जिंदा थे तो उनका सपना था अपनी वाइफ को एक बाथटब दिलाने का, पर क्योंकि वो इतने अमीर नहीं थे तो बाथटब वो अफोर्ड नहीं कर पाए, लेकिन अब वो ये गिफ्ट अपनी वाइफ को देना चाहते हैं, यानी उन 2 लाख के अमाउंट में से भी जो बाथटब खरीदने के बाद बचेगा वही यंगमिन को मिलेगा। वो गुस्सा होकर अपने घर आ जाते हैं एंड मिस्टर बियन वहीं रह जाते हैं। जीहून कई बार यंगमिन को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, पर यंगमिन उसकी एक नहीं सुनता। घर आकर ग्रैंडमा से बात करते हुए यंगमिन को याद आता है जब वो छोटा था तब कैसे मॉम उसे बाथटब में नहलाती थी। ये मेमोरी उसके लिए बहुत ही खास थी, इसलिए अगले दिन सीधा वो मिस्टर बियन के घर पहुंचता है। जीहून ये देख खुद से कहती है, ये बंदा दिन में पैसे पैसे जरूर करता है पर दिल का अच्छा है। इसके बाद वो मिस्टर बियन की वाइफ से मिलता है। वहां पर वो मिस्टर बियन का कजन बनकर गया था, एक्टिंग कर घर के अंदर आ जाता है। सुई उनको किसी काम में बिजी कर वो गोल्डन बिस्किट को कमरे से लेकर आ जाता है। प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया था, पर तभी घर पे एक आदमी का कॉल आता है। वो सुई उनसे कहता है, आपके हस्बैंड का कंपनसेशन अमाउंट प्रोसेस हो चुका है, आप आके इसे ले जाइए। जैसे मिस्टर बियन की मौत अपनी कंपनी में काम करते दौरान हुई थी और इसके बदले कंपनी फैमिली को एक बड़ा अमाउंट देने वाली थी, पर जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो अचानक मिस्टर बियन की मॉम वहां पर आ जाती है
वहाँ पर वो सुई उनसे दुख बांटने लगती है। इसके बाद वो खुद ही मिस्टर ब्यून का मेमोरियल भी अरेंज करते हैं एंड वहाँ पर उसकी मॉम कीवीज को रखती है जिससे मिस्टर ब्यून को एलर्जी थी। ये मेरे बेटे का फेवरेट है। मिस्टर ब्यून यंग मैन से कहते हैं, मेरी मॉम तो मुझे ऑर्फनेज में काफ़ी सालों पहले छोड़कर चली गई थी, तो ये वापस कैसे आ गई? तभी हमें उस लेडी के असली प्लान के बारे में पता चलता है। तेरी शादी कैसी थी? सुयोन बताती है, उन्होंने कभी शादी की ही नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए साथ में रहते थे। यानी उनकी शादी ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं थी एंड इसी बात का फायदा उठा वो लेडी सारा कंपनसेशन अमाउंट खुद क्लेम कर लेती है। और ये सुन मिस्टर ब्यून को एक जोर का झटका लगता है। यंगमैन समझ चुका था ये असली मदर नहीं है। अब उन लेडी का पीछा कर उनका घर ढूंढता है। वहां पर उसे उनकी एक फोटो मिलती है, पर इससे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। तो वो मिस्टर ब्यून से कहता है कि ऐसी कोई चीज थी जो सिर्फ आपके मदर की हो। वो कहते हैं उनके राइट हैंड पे एक स्कार था। चेक करने पे इन लेडी के हाथ पे भी स्कार मिल जाता है। यानी कि वो लोग बहुत ही परफेक्ट प्लान के साथ आए थे। वो यंगमैन और सुयोन पे इल्जाम लगा देते हैं कि उन्होंने मिलकर उनके बेटे को मार दिया। वहीं बेहोश हो जाती है। यंगमैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टर दोजेन उन्हें बताते हैं सुयोन तो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये बात जन यंगमैन को एक आइडिया आता है। वो मदर बनी हुई लेडी का डीएनए टेस्ट करवाता है और उनका डीएनए मिस्टर ब्यून के डीएनए से कम्प्लीटली डिफरेंट था, जिससे प्रूव हो जाता है कि वो असली मदर नहीं है। इससे पहले वो ऑफिसर्स को बुला पाते वो दोनों फ्रॉड लोग वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद वो रात को मिस्टर ब्यून की वाइफ को घर छोड़ देता है, लेकिन टैक्सी में वो देखता है कि कंपनसेशन वाले डॉक्यूमेंट तो वहीं रह गए, तो वही इसे देने के लिए ऊपर जाता है, पर वहां पर दरवाजा बंद था। अंदर दोनों फ्रॉड लोग पहले से बैठे हुए थे और उन्होंने सुयोन को बंदी बना लिया था। वो अगर उन्हें पैसे नहीं देगी तो वो उसे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। यंगमैन चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल पा रहा था और मिस्टर ब्यून अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को मरता देख रहे थे। तभी वो प्रार्थना करते हैं और पूरी ताकत से दरवाजे को मारते हैं एंड वो मिराक्युलसली खुल जाता है। यंगमैन अंदर आते ही दोनों को मारकर पकड़ लेता है और ऑफिसर्स उन्हें ले जाते हैं। मिस्टर ब्यून की वाइफ की जान बच गई थी। फिर जाने से पहले यंगमैन सुयोन को एक सच रिवील करता है कि मैं आपके हस्बैंड का कजन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उन्हें कल से पहले जानता भी नहीं था। उनकी आत्मा मुझे मिली और उन्होंने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा। सुयोन को उसकी बात ही बहुत अटपटी लगती है। वो हैरानी से उसकी बातों को सुन रही थी। यंगमैन बताता है वो फिलहाल आपके पास है एंड वो आपको सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। सुयोन को उसके किसी भी बात का यकीन नहीं हो रहा था कि ये बंदा आखिर बोल क्या रहा है। पर फिर मिस्टर ब्यून जो जो बात कहते हैं वो बात यंगमैन रिपीट करने लगता है, जिससे अपने हस्बैंड की आखिरी सारी बात सुयोन सुन सके। वो कहते हैं, सुयोन क्या तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों स्कूल के लिए सुबह बहुत जल्दी निकलते थे ताकि एक साथ हम आसमान में भरे सितारों को देख सके। हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो सितारे ही हमें अपने लगते थे। ये सुन सुयोन एकदम हैरान रह जाती है। वो कहती है, मुझे याद है, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? फिर वो कहते हैं, याद है मैंने कहा था अगर हमारा बेबी होता है तो उसका नाम हम स्टार रखेंगे, पर तुम उस वक्त मना कर रही थी। पर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ उसका नाम स्टार रखना। ये स्टार हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़ कर रखेगा। मुझे उसकी याद आएगी तो मैं आसमान में उसे देख लिया करूँगा। सुयोन एकदम इमोशनल होकर रोने लगती है। वो कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि सच में वो अपने मरे हुए हस्बैंड को दोबारा सुन पा रही है। वो कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। सॉरी सुयोन। वो कहती है, अब मैं अकेली नहीं हूँ, हमारा बेबी भी तो है मेरे साथ। मिस्टर ब्यून एक स्माइल देकर गायब हो जाते हैं और यंगमैन और जीहुन वहाँ से अपने घर चले आते हैं। जीहुन पहली बार यंगमैन का इमोशनल साइड देख पा रही थी। इस बीच हमें पता चलता है ऑफिसर्स दोबारा से यंगमैन की मॉम के कातिल को ढूंढने में लग चुके हैं और वो लोग ग्रैंडमा से आज इसी बारे में बात भी करने आए थे। ग्रैंडमा इस बारे में यंगमैन को बताती है, तो उसी दौरान यंगमैन गौर करता है कि जीहुन के हाथ में जो चीज़ बंधी हुई है वो उसकी मॉम का हेयर बैंड है। ये देख वो एकदम हैरान रह जाता है कि उसकी मॉम का हेयर बैंड जीहुन के पास कैसे है। तभी ग्रैंडमा यंगमैन को दिखाती है, ये तुम्हारे मदर वाले फ़ोन पे इतनी प्यारी लड़की कौन है? वो शौक में रह जाता है कि उसकी मॉम और जीहुन एक साथ कैसे। जीहुन अपनी फोटो दिखाती है, तो मैं ऐसे दिखती हूँ, मैं तो काफ़ी सुंदर हूँ। लेकिन वहाँ पर यंगमैन बस इसी सोच में था कि जीहुन और उसकी मॉम इतने क्लोज कैसे थे। अगली सुबह ऑफिसर्स यंगमैन को मिलने बुलाते हैं, पर वहाँ पर वो उस पर ही शक कर रहे थे कि उसने ही अपनी मॉम को जान से मारा हो, जिस बात से नाराज होकर वो चला जाता है। अब हमें उसकी फ्लैशबैक से एक्सीडेंट वाले सीन दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं एक्सीडेंट से तुरंत पहले यंगमैन अपनी मॉम से ही बात कर रहा था, इसीलिए एक्सीडेंट होते हुए वो अपनी मॉम की आवाज़ को सुन लेता है और तुरंत भागता हुआ वहाँ पहुँचता है। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था, तो उन्हें एम्बुलेंस में बैठा देता है, लेकिन जगह कम होने की वजह से वो एक दूसरी टैक्सी लेकर आता है। उसने अपनी मदर वाली टैक्सी को क्राइम सीन पे ही रहने दिया था ताकि एविडेंस गायब ना हो जाए, पर इसके बावजूद ऑफिसर्स आज उस पर ही शक कर रहे थे। अब दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में सूरी को दिखाते हैं। ग्रैंडमा उसे कॉल कर घर पे खाने पे बुला रही थी, क्योंकि वो चाहती थी यंगमैन और सूरी का रिश्ता दोस्तों से थोड़े ज्यादा क्लोज आए। और दो जन वहाँ नोटिस करते हैं कि उनके अलावा जो दूसरे डॉक्टर थे डॉक्टर जंगफू, वो अक्सर पेशेंट्स का गलत इलाज कर रहे थे। वहाँ पर उस पेशेंट की तो जान बच जाती है, पर बाद में नर्सेस को बुलाकर
डॉक्टर दुजन जंगवू के ऑपरेशन पर नजर डालते हैं और वे अधिक हैरान रह गए थे कि जंगवू के आने के बाद हॉस्पिटल के नंबर ऑफ डेथ्स 4 गुना बढ़ चुके थे। वो जंगवू को निकालने का सोचते हैं, लेकिन जंगवू उनसे कहते हैं, अगर मैं बुरा हूँ तो तुम कौन से अच्छे हो, तुम्हारा राज मैं जानता हूँ दोजन। वहां पर हमें दिखाया जाता है जंगवू के पास कई सारे रेयर मेडिकल इंजेक्शन थे जिन्हें वो छिपा कर रखता था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं एक पैसेंजर यंगमिन की टैक्सी में आकर बैठता है। वो थोड़ा वियर्ड था, बाद में हमें पता चलता है वो एक शमन है जो भूतों को देख सकता है। अब वो यंगमिन को बताता है, ये लड़की की आत्मा तुम्हारी टैक्सी से नहीं जुड़ी बल्कि टैक्सी में रखे किसी सामान से जुड़ी है। यंगमिन को याद आता है वही व्हाइट कलर का पुराना फोन। वो उसे लेकर दूर जाता है और जीहुन अचानक उड़कर उसके पास खींची चली जाती है, यानी वह उसी फोन से जुड़ी हुई थी। वह उनके बीच एक एक्सीडेंटल केस होता है और एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। बाद में फोन का चार्ज खत्म होने की वजह से जीहुन गायब हो जाती है। यंगमिन तुरंत घर आकर फोन चार्ज करने जाता है पर फोन का चार्जिंग पोर्ट बहुत ही डिफरेंट था। दरअसल ऐसे पोर्ट्स वाले चार्जर्स अब नहीं मिलते। वो सोचता है कल वो मार्केट से नया चार्जर ले लेगा, लेकिन कल ग्रैंडमा के साथ वो शॉपिंग पे जाता है। इस बार जीहुन नहीं थी तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। वहां ग्रैंडमा पुराना फोन देख उसे डस्टबिन में फेंक देती है। यंगमिन उसे निकाल नहीं पाता पर बाद में पूरा दिन उसका बहुत ही अच्छा जाता है, उससे बहुत सारे पैसेंजर्स मिलते हैं एंड एक पल को वो सोचने लगता है क्या मैं जीहुन को भूल जाऊं। दूसरी तरफ जीहुन एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी जहां उसकी हालत खराब हो रही थी और अगर जल्दी उसे नहीं बचाया गया तो वो खत्म हो जाएगी। फिर अगले सीन में हमें यंगमिन के दोस्त स्योक को दिखाते हैं। स्योक दरअसल कई सारे टैक्सीज को लीज में देता था जिसमें से एक टैक्सी उसने यंसू नाम की एक लड़की को दी थी। वो यंगमिन और स्योक की कॉमन फ्रेंड थी एंड यंसू की मॉम को अल्जाइमर था यानी कि भूलने की बीमारी और इसीलिए अक्सर वो उन्हें लेकर ही ट्रैवल करती थी। पर आज उसकी मॉम गायब हो गई। यंसू स्योक और यंगमिन के साथ मिलकर अपनी मॉम को हर जगह ढूंढती है। काफी ढूंढने के बाद फाइनली वो उन्हें ऑफिस के पास मिलती है। दरअसल वो एक बच्ची के साथ खेल रही थी पर ये देख उस बच्ची की मॉम को लगा ये लेडी उनकी बच्ची को परेशान कर रही है। बाद में उन्हें ऑफिस के पास से लेने के बाद यंसू यंगमिन से कहती है, पता है मेरी मॉम पूरी दुनिया के लिए एक भूत की तरह है। वो लोग उन्हें देखते तो है पर असलियत में कोई उन्हें देखना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी है। वो किसी को याद नहीं रख पाती और उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुन यंगमिन को रियलाइज होता है जीहुन तो सच में एक भूत है और उसका इस दुनिया में यंगमिन के अलावा कोई नहीं है। इसलिए वो कल जल्दी से उस डस्टबिन से फोन निकालकर नया चार्जर खरीद फोन चार्ज करता है और अचानक जीहुन दोबारा इस दुनिया में आ जाती है। वो सीधा उसके हाथों पर गिरी थी और वो आते ही उसे पूछती है, तुमने मुझे बचाया कैसे। वो कहता है 4,000 रुपये का चार्जर खरीद कर। जीहुन ये सुन कहती है, तुम्हारे जैसे लालची इंसान जिसे सिर्फ पैसे से मतलब है वो मेरे लिए इतना पैसा क्यों खर्च करेगा, तुमने तो सच में मेरा दिल जीत लिया। और वापस से वो टैक्सी पे उसके साथ निकल जाता है। लेकिन जब पैसेंजर्स दोबारा टैक्सी में बैठने से मना करने लगते हैं और बैंक वाले नोटिफिकेशन भेजकर शॉक देते हैं तब यंगमिन को बहुत बुरा भी लगने लगता है। पर जीहुन दोबारा से आइडिया देती है घोष टैक्सी का। सूरी दोजिन को बहुत पसंद करती थी और आज वो दोनों साथ में अपने एक चाइल्ड पेशेंट का फ्यूनरल अटेंड करने जाते हैं जिसकी मौत कम समय होने की वजह से हो गई। डॉक्टर दोजिन अपने पेशेंट से पर्सनली अटैच रहते थे और उनकी सच में बहुत परवाह रहती थी जो बात न सूरी को बहुत पसंद आती है। तो दोजिन को डॉक्टर जंगवू की बात से परेशान दिखते हैं, जरूर उनके बीच कोई तो बात थी। वही फिर अगले दिन यंगमिन और जीहुन पहुंचते हैं उस टैक्सी स्टैंड में जहां इंसान नहीं बल्कि सिर्फ घोस्ट पैसेंजर्स भरे हुए थे एंड कोइंसिडेंटली वहां पर उन्हें एक लड़की की आत्मा मिलती है। ये लड़का जीहुन का बचपन का दोस्त निकलता है। वो जीहुन को देखते ही उसे उसके नाम से पुकारता है एंड अब यंगमिन और जीहुन दोनों को उसकी पहचान के बारे में पता चल चुका था। वो उन दोनों को लेकर अपने घर पहुंचता है। वहां पर वो उन्हें उनकी साथ वाले स्कूल की पिक्चर दिखाता है। ये देख जीहुन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि इतने दिनों बाद फाइनली किसी ने उसे उसकी पहचान बताई। वो लड़का जिसका नाम था सुनवू वो जीहुन से पूछता है, क्या ये साइड खड़ा आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जीहुन कहती है, बिल्कुल नहीं। इसी मौके का फायदा उठा सुनवू यंगमिन से अकेले में कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तभी तुम उसके साथ आए हो। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तुम्हें मेरा सपना पूरा करना होगा। यंगमिन पूछता है, क्या। सुनवू बताता है, मैं जीहुन को डेट करना चाहता हूँ। बताते हैं कि घोष्ट आखिर कपड़े कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि ये दोनों डेट पे जा सकें। अगले दिन सुनवू और जीहुन साथ में शॉपिंग पे जाते हैं। वहां पर हम देख पाते हैं कि आत्माओं को कपड़े चेंज करने के लिए बस कपड़ों के आर पार जाना होगा। आत्माओं के लिए काफी कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद वो दोनों मूवी डेट पे भी जाते हैं। सुनवू और जीहुन एकदम एक प्यारी कपल की तरह सारे पल एंजॉय कर रहे थे और यंगमिन इन्हें देख जेलस फील कर रहा था। जीहुन को प्रपोज करने का डिसाइड करता है एंड इसके लिए उसने बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे। वो जीहुन को उस दिन वहां लेकर ही नहीं जाता, वो सीधा उसे कह देता है, तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं। जीहुन थोड़ा थोड़ा बात को समझने लगी थी। वो कहती है, मैं भी सुनवू से प्यार नहीं करती, मैं तो उसके साथ इसलिए थी ताकि तुम्हें पैसे मिल सके और तुम अपने लोन का अमाउंट चुका सको। ये सुन
यम इनका दिल भराता है। अब अगले दिन उसे सुनवू के पास लेकर चला जाता है। वो बाहर बैठा हुआ अपने दोस्त श्योक से बात कर रहा था। जब श्योक उसे कहता है, अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो उसे जाकर दिल की बात बता दो, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तब भी ज्यादा ज्यादा बुरा ही ना लगेगा, पर एटलीस्ट नहीं बताने से तो बेहतर है। यंगमिन कहता है, पर वो लड़की किसी और के साथ है। श्योक कहता है, तब तो तुम्हें और जल्दी करनी चाहिए। यंगमिन जल्दी से जाता है और वहीं हम देखते हैं सुनवू जी उनको प्रपोज करने के लिए खड़ा था, पर अचानक वहां पर वो उसे प्रपोज नहीं करता और कहता है, जीवन पता है मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया? एक बात बताने के लिए। इस दुनिया में रहते हुए मुझे आत्मा की मुक्ति के बारे में कुछ बातें पता चली है। एक आत्मा इस दुनिया से सिर्फ दो तरह से गायब हो सकती है, पहली कि अगर हमारी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तब, और दूसरी जब एक आत्मा को प्यार हो जाए। मैं जब इंसान था तो तुमसे प्यार करना चाहता था, आत्मा बनकर मेरा आखिरी सपना फाइनली पूरा हो गया और अब शायद मैं यहाँ से गायब हो जाऊँगा। जीवन कहती है, मुझे मेरी पहचान बताने के लिए दिल से शुक्रिया। किसी भी इंसान से प्यार मत कर बैठना, वरना तुम भी मेरी तरह गायब हो जाओगी और अपनी खोई हुई याददाश्त को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगी। जैसे यंगमिन वहां पहुंचता है सुनवू गायब हो चुका था। एंड यहां हम देख पाते हैं यंगमिन और जीहुन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, पर जीहुन एक स्टेप बैक लेती है क्योंकि अगर वो यंगमिन से प्यार करेगी तो वो भी सुनवू की तरह गायब हो सकती है। वो जीहुन के सिर पर एक तालिस्मान रखकर तुरंत इंतजार करने के लिए कहता है। जब तालिस्मान सिर पर रख जीहुन आग बंद करके बैठी हुई थी तभी उसे अपने पास्ट के कुछ विजन आते हैं। वो हम देख पा रहे थे कि वो उन्हीं शुरुआत वाले ओल्ड मैन के साथ थी। हमें समझ आता है कि वो ओल्ड मैन भी एक ऑफिसर रह चुके थे और वो उनकी ही बेटी थी। एंड जीहुन खुद भी एक ऑफिसर थी, उसके फादर का नाम था मिस्टर कैंग। इसके ठीक दूसरी तरफ प्रेजेंट में दो ऑफिसर्स को हम देखते हैं। ये दोनों यंगमैन की मॉम और जीहुन का केस साथ में इन्वेस्टिगेट करे थे, इसीलिए वो मिस्टर कैंग से मिलने पहुंचते हैं, पर वहां मिस्टर कैंग कोई तो राज छिपा रहे थे। इसके बाद वो दोनों ऑफिसर्स सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाते हैं, जहां हमें पता चलता है यंगमैन की मॉम को एक बाइक ने उड़ाया था, पर उस शख्स का फेस हेलमेट की वजह से नहीं दिख रहा। वो लड़का है या लड़की ये भी नहीं पता चल रहा। वो लोग दोबारा वैसे एक बाइक को नोटिस करते हैं एंड उस बाइक को फॉलो करने पर उन्हें वही हॉस्पिटल मिलता है जहाँ यंगमैन के दोस्त सूरी और डॉक्टर दोजिन काम करते हैं। अब ऑफिसर्स का शक इस हॉस्पिटल के ऊपर था क्योंकि इसी जगह यंगमैन की मॉम का आखिरी इलाज भी हुआ था। अब यहाँ से हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। अगले दिन जीहुन और यंगमैन को एक छोटा पैसेंजर मिलता है। वो एक बच्चा था, पर हैरानी की बात थी कि वो जीहुन को देख पा रहा था। वो कहता है, मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। वहाँ वो उनसे कहता है, आपकी टैक्सी इच्छाओं को पूरा करती है ना, क्या प्लीज़ मेरी सिस्टर को ढूंढ सकते हो? वो कई दिनों से लापता है। यंगमैन कहता है, शायद इसे ऑफिसर्स के पास लेकर जाना चाहिए। वो बच्चा बताता है, ऑफिसर्स और टीचर ने कहा मेरी सिस्टर घर छोड़कर भाग गई, पर कल मेरा बर्थडे था एंड आज तक उन्होंने कभी भी मुझे मेरे बर्थडे के दिन अकेला नहीं छोड़ा, प्लीज़ उसे ढूंढने मेरी मदद कीजिए। यंगमैन उनसे कहता है, पहले ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ पर है? वो लोग उसे उसके घर ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी दादी थी। वो यंगमैन का शुक्रिया अदा करती है कि वो उनके पोते को घर लेकर आ गया, साथ ही साथ वो उन्हें कुछ पैसे भी देती है। यंगमैन उनसे कहता है, इतने कम और पैसे लेने अंदर जाती है? जीहुन ये कहती है, एक बच्चे और एक बूढ़ी औरत से पैसे ले रहे हो? तभी यंगमैन कहता है, रुको तो। वो ये सारे पैसे उस बच्चे को देकर कहता है, अब प्लीज़ अपनी दादी के साथ रहना। इसके बाद वो उनके लिए घर पर खाना बना देता है, पर वहाँ पर वो उस बच्चे की बहन को ढूंढने में उसकी मदद करना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो बेवजह किसी और की लाइफ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। लेकिन जीहुन के काफ़ी मनाने के बाद वो फाइनली मान जाता है एंड अगले दिन वो दोनों उस बच्चे की बहन के दोस्तों के पास उनसे मिलने जाते हैं। वो सारी लड़की अमीर घरों से थी एंड वहाँ पर वो सभी मिलकर उस बच्चे की बहन हायुल के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने लगती है कि वो लड़की घर छोड़कर भाग गई होगी। उन सभी लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की थी जो हायुल की बुराई नहीं सुन पाती और वहाँ से भाग जाती है। हमें पता चलता है ये लड़की और हायुल बेस्ट फ्रेंड्स थे। यंगमैन और जीहुन ये देख उस लड़की का पीछा करने लगते हैं, पर रास्ते में कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। इन गुंडों को उन्हीं बाकी लड़कियों ने भेजा था। लकीली हायुल की बेस्ट फ्रेंड उन गुंडों को देख लेती है और रास्ते में वो ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज़ उनकी मदद के लिए आए। ये दोनों वही ऑफिसर्स थे और वो लोग उन गुंडों से यंगमैन और जीहुन को बचा लेते हैं, पर यंगमैन को बहुत ज़्यादा चोट आई थी जिसका इलाज डॉक्टर दोजिन करते हैं। जीहुन बाद में उसे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट आई, मैंने ही तुमसे कहा था ना। जिस पर यंगमैन कहते हैं, फिक्र मत करो, ये मैंने खुद सोचा था एंड अगले दिन हम उसे ढूंढने दोबारा जाएंगे। पर तभी अगली सुबह एक नदी के पास से हायुल का बैग और फोन मिलता है जिसमें उसका आखिरी लिखा नोट था, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली। ऑफिसर्स इसे सुसाइड समझकर कंक्लूड कर देते हैं, लेकिन नोट को देख जीहुन को शक होता है क्योंकि हायुल के कमरे में जीहुन ने हायुल की हैंडराइटिंग और एक चीज नोटिस की थी, उसके हर एक नोट के बाद उसका सिग्नेचर जरूर रहता है जो इस फोन वाले नोट में मिसिंग था। वो ये बात यंगमैन को बताती है एंड तभी फिर वो हायुल के बेस्ट फ्रेंड से जाकर मिलते हैं जिसके नजरिए से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैसे बाकी बच्चे स्कूल में हायुल की बेस्ट फ्रेंड को हमेशा बुली करते थे, हायुल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और वो हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड को हिम्मत देती कि वो बुली से न डरकर
टटकर उनका सामना करे। उन बुलीज की लीडर मीरा खासकर हमेशा हायल के बेस्ट फ्रेंड को डराती थी। एक दिन एक पहाड़ की चोटी पे वो लोग दोबारा ऐसे ही करे थे। हायल अचानक उसकी मदद के लिए पहुंचती है। पहाड़ में हाथाफी होने लगती है जिसके कारण हायल की गिरकर मौत हो जाती है। और यह देख मीरा बहुत सारे डर गई थी। उन लोगों को भी डरा देती है सच बताने से, क्योंकि इससे वो सभी फंस जाते। पर आज हायल की बेस्ट फ्रेंड ये बात यंग मिन को बता देती है और तीनों पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हैं। वहां पर हर तरफ वो हायल को ढूंढ रहे थे, लेकिन पहाड़ की चोटी पे से अचानक यंग मिन खुद भी नीचे गिरने वाला था। जीहुन अचानक उसका हाथ पकड़ उसे बचा लेती है। जीहुन को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने यंग मिन का हाथ कैसे पकड़ लिया, वो तो एक आत्मा है। तभी अचानक उन्हें हायल नजर आती है। वो लोग उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं। देखने में पता चलता है कि उसकी सांसें अब भी चल रही थी, यानी कि उन लोगों ने उसे जिंदा बुरी कंडीशन में वहीं पर छोड़ दिया था। वो छोटा बच्चा और ग्रैंडमा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर दोजिन हायल को बचा नहीं पाते। अचानक उसकी आत्मा उस बच्चे हाजुन के पास आकर कहती है, सॉरी हाजुन, मैं तुम्हारे 10th बर्थडे में तुम्हारे पास नहीं थी। हाजुन फूट फूट कर अपनी बहन को देख रोने लगता है। वो आत्माओं को देख सकता था एंड वो बार बार अपनी बहन से कह रहा था, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पर तभी हायल वहां पर गायब होने वाली थी। नर्सेस भी डॉक्टर दोजिन से कह रही थी, सर आप उसे छोड़ सकते हो, वो नहीं बचने वाली। लेकिन डॉक्टर दोजिन हार नहीं मानते और आखिरकार अचानक एक चमत्कार की तरह हायल की सांसें दोबारा चलने लगती है। फिर कल वो दोनों हायल और हाजुन से मिलते हैं। वहां पर हायल की बेस्ट फ्रेंड भी आई थी उसका फेवरेट डिश लेकर, एंड यहाँ इन सभी का एक हैप्पी रियूनियन होता है। फिर यंग मिन और जीहुन अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे रास्ते में कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जीहुन। वो भी उसे पसंद करती थी, लेकिन अगर उसने हाँ कह दिया तो वो गायब हो जाएगी, इसलिए वो कहती है एक इंसान और एक आत्मा प्यार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मिस्टर कैंग ऑफिसर को बताते हैं, मेरे कुछ लोगों से मुझे पता चला है हॉस्पिटल का कोई वर्कर ही इसमें शामिल है। ऑफिसर को जंगवू पे शक होता है एंड आज डॉक्टर दोजिन ने फाइनली जंगवू को हॉस्पिटल से निकाल दिया था। पर जंगवू उन्हें वार्न करता है कि उसके पास कोई ऐसा राज है जिससे हॉस्पिटल का नाम खत्म हो सकता है। वहीं फिर यंग मिन और जीहुन एक कैजुअल डेट पे जाते हैं तो वहां उन्हें डॉक्टर दोजिन और सूरी मिलते हैं। डॉक्टर दोजिन सूरी के साथ डेट पे आए हुए थे एंड उन्हें साथ ही अचानक जीहुन को एक फ्लैशबैक आता है। वो यंग मिन से कहती है, ये आदमी मुझे जानता है, इससे मेरी फोटो दिखाओ। और वहां रिवील होता है कि डॉक्टर दोजिन जीहुन को पहले से जानते थे। और वहां वो रिवील करते हैं कि जीहुन की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन यंग मिन की मॉम की मौत हुई थी। यानी कि कुछ तो है जो इन सभी को कनेक्ट करके है। वो तुरंत ये जानकारी लेकर ऑफिसर को बताता है, पर वो लोग कहते हैं ये चीज एक कोइंसिडेंस भी हो सकती है। इसके बाद उन दोनों ऑफिसर को एक सीनियर नर्स हाई उन पे शक जाता है। इस दौरान यंग मिन जीहुन की मौत का राज पता करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका शक बढ़ते जा रहा था कि आखिर उसकी मॉम और जीहुन के बीच इतनी सारी चीजें कॉमन कैसे हो सकती है। ये राज पता करते हुए वो दोनों एक आदमी के पास पहुंचते हैं। वो आदमी कई महीनों से इसी हॉस्पिटल के टेरेस पे थे। वो उनसे कहते हैं, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। वो लोग मान जाते हैं। उस रात जीहुन कहती है, कितने दुख की बात है ना, हम इस दुनिया में किसी से भी कितना भी प्यार क्यों ना कर लें, एक ना एक दिन हम अलग हो जाएंगे। ये बात सोच कर ही मुझे घबराहट होने लगती है। तभी यंग मिन कहते हैं, क्या उस दिन को सोच सोच कर डरना सही है, या फिर जो दिन हमारे पास बचे हैं उसे खुलकर जीना। वहां वो जीहुन को किस कर लेता है एंड ये उनकी पहली प्रॉपर किस थी। इसके बाद वो दोनों कल डेट पे जाते हैं एंड इस डेट में उनकी लड़ाई हो जाती है, यानी पहले किस के बाद पहली फाइट। डेट पे टाइम पास करने के बाद इन्हें याद आता है कि इन्हें तो उस आदमी की मदद भी लेनी है जिनसे वो हॉस्पिटल के छत पे मिले थे। हमें पता चलता है उन शख्स का नाम है मिस्टर डू एंड वो दरअसल पहले एक ऑफिसर रह चुके थे। मिस्टर कैंग जो जीहुन के फादर है, मिस्टर डू उन्हीं के फ्रेंड थे, पर अब उनकी मौत हो गई। लेकिन वो इस केस के बारे में बहुत कुछ जानते थे क्योंकि सालों से वो इसी हॉस्पिटल में कैद है। अब यहाँ जानकारी के बदले उन दोनों को मिस्टर डू की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी, जो कि है उनकी बेटी को आखिरी अलविदा कहना जो फॉरेन में रहती है। अब फॉरेन जाने के खर्चे को बचाने के लिए ड्रामा के राइटर्स ने नेट विश्ला दिया। उनकी बेटी दरअसल एक साइंटिस्ट बन चुकी थी जो स्पीच देने के लिए कोरिया ही होती है एंड वहां पर वो लोग उससे मिलने जाते हैं। लेकिन अपने फादर मिस्टर डू का नाम सुनते ही वो नाराज होकर चली जाती है। वो दरअसल अपने फादर से नफरत करती थी क्योंकि वो कभी अपने बच्चे को समय नहीं देते थे, सिर्फ केसेस में बिजी रहते थे। आज ये सोच मिस्टर डू को बहुत दुख पहुंचता है। पर बाद में यंग मिन किसी तरह उस लड़की को कन्विंस कर उसे उनके पुराने घर लेकर आता है। ये घर में पहले वो लोग साथ में रहते थे। वहां मिस्टर डू अपनी बेटी को अपनी दिल की सारी बात बताते हैं कि कैसे उनसे जो गलती अतीत में हुई उसके लिए वो आज तक शर्मिंदा है। उन्हें ये बात हर रोज दर्द देती है कि वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाए और बचपन में ही उसे उन्होंने फॉरेन भेज दिया। अब वो उसे ठीक तो नहीं कर सकते, इसलिए वो बस अपनी बेटी से माफी मांगना चाहते हैं। वो अपनी बेटी को उन पलों को भी याद दिलाते हैं जो उन्होंने साथ में बताए थे। ये बातें यंग मिन के द्वारा वो सुन पा रही थी। पहले तो उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थी तो वो भूतों पे तो बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली, पर जब इतनी डिटेल्स को सुन वो भी यंग मिन के मुंह से तो उसे यकीन करना पड़ता है। एंड वहां पर वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने फादर को माफ कर देती है एंड फाइनली मिस्टर डू का आखिरी सपना पूरा हो जाता है अपनी बेटी से माफी मांगने का। इसके बाद वो केस से जुड़े एक राज रिवील करते हैं कि इस एड्रेस पे जाओ
तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब वो खुद वहां से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ में डॉक्टर दोजिन को दिखाया जाता है। उनके हॉस्पिटल में जंगफू नाइफ लेकर हमला कर देता है, जिसमें दोजिन को चोट लग जाती है, पर जंगफू भाग निकलता है। वह सीनियर नर्स हायुन दोजिन के पास आती है एंड हमारे सामने रिवील किया जाता है कि नर्स का दोजिन से खास रिश्ता है। इधर से दोजिन के फादर की केयर टेकर रह चुकी थी, जिन्होंने दोजिन के फादर को जान से मारकर दोजिन को बचाया था, क्योंकि उसके फादर दोजिन को हमेशा मारते थे और तब से दोजिन एकदम बदल सा गया एंड उसका उस नर्स हायुन के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता था। फिर जियोन और यंगमिन मिस्टर डू के दिए उसी एड्रेस पे पहुंच कर देखते हैं कि वहां तो एक लाश पड़ी है और ये घर दरअसल जंगफू का था। कमरे के अंदर कई सारे लोगों की तस्वीर लगी हुई थी, इंक्लूडिंग यंगमिन। तभी हम देखते हैं नर्स हायुन उसी फ्लैट की नेबर थी और कमरे में लाश के पास यंगमिन को देख वो तुरंत ऑफिसर्स को बुलाती है एंड वहां पर यंगमिन को पकड़ लिया जाता है। इसके ठीक दूसरी तरफ हमारे सामने एक और राज रिवील होता है। मिस्टर कैंग अपने घर के एक सीक्रेट कमरे में जाते हैं और वहां हम देख पाते हैं उनकी बेटी जी हुन अब भी जिंदा थी एंड उसका इलाज चल रहा था। वो दरअसल कोमा में थी पर मरी नहीं थी। फिर पुलिस स्टेशन से यंगमिन अपने दोस्तों से कहता है प्लीज ग्रैंडमा को ये बात मत पता लगने देना एंड किसी तरह फिर वो पूरी रात वहीं बिताता है। इसके अगले दिन दोनों ऑफिसर आकर यंगमिन को छोड़ देते हैं और कहते हैं हमें कातिल का पता चल गया, वो दरअसल जंगवू है। वो बाइक जिससे मर्डर हुआ था वो जंगवू की है एंड उस घर में वो लाश भी जिस लेडी की थी उसे जंगवू ने ही मारा है, अपने घर पे उसने रखा हुआ था। यंगमिन और जेहन बाहर आते ही गौर करते हैं एक बोर्ड में फोटो लगी हुई थी। वो लोग गौर करते हैं तो वो फोटो मिस्टर कैंग की थी जेहन के साथ और ये देख वो समझ जाते हैं कि जेहन मिस्टर कैंग की ही बेटी है। वो लोग फाइनली उनसे मिलने जाते हैं। जेहन अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी और उसने यंगमिन को मना किया था कि वो उसकी फादर को आत्मा होने वाली बात ना बता दे क्योंकि इससे उन्हें बहुत सारा टेंशन हो जाती। वहां पर यंगमिन जेहन का दोस्त बनकर गया था और वो कहता है मैं आपकी बेटी को सालों से जानता हूँ, वो और मेरी मॉम भी बहुत क्लोज थी एंड उन दोनों की मौत एक ही दिन हुई थी, शायद ये दोनों केसेस रिलेटेड है क्योंकि वो दोस्त थे। मिस्टर कैंग कहते हैं हो सकता है पर एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी के दोस्त थे लेकिन मुझे तुम पर अब तक पूरा यकीन नहीं है, इसलिए मुझे सोचने दो फिर मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा। वहां पर वो कोमा में होने वाली चीज की बात कर रहे थे। रात को वो जी उनके कमरे में जाकर कहते हैं क्या मैं उसे बता दूं तुम्हारे जिंदा होने वाली बात। वहीं फिर जीवन और यंगमिन उस अपार्टमेंट वाली लाश की आत्मा से मिलते हैं जिसे जंगवू ने मारा था, पर वहां पर वो उन्हें बताती है मुझे जंगवू ने नहीं मारा, जंगवू इनफैक्ट उसका बॉयफ्रेंड है एंड उसने तो किसी को भी नहीं मारा। इसके बाद वो लोग जंगवू को ढूंढने लगते हैं क्योंकि अब से वही है जो असली कातिल का राज बता सकता है। लेकिन जहां पर यंगमिन उस आत्मा से मिल रहा था उसके ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिससे सब कुछ डॉक्टर दोजिन देख पा रहे थे, पर कैमरा में आत्मा तो नहीं दिखती सिर्फ यंगमिन नजर आता है एंड इससे यंगमिन डॉक्टर दोजिन के नजर में आ गया था। इस बीच जिनसू की मॉम जिन्हें अल्जाइमर थी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। जैसे दोजिन को पता चलता है कि ये ओल्ड लेडी यंगमिन के दोस्त की मॉम है तो वो एक बहुत ही वियर्ड स्माइल देता है एंड अगले दिन उन ओल्ड लेडी का फ्यूनरल रखा जाता है, यानी कि उसने उन्हें मार दिया एंड फिर वो खुद ही दुख जताने के लिए उस फ्यूनरल में शामिल भी होता है। लेकिन जी हुन क्योंकि एक आत्मा थी वो गौर से देखती है कि ये बंदा रोने की जगह बार बार ईविल स्माइल दे रहा है एंड ये देख वो हैरान रह जाती है। यंगमिन से वो कहती है उसे पूछो वो यहाँ पर क्यों आया है। पूछने पर डॉक्टर दोजिन कहते हैं मैं अपने खास पेशेंट्स के लिए हमेशा उनका फ्यूनरल अटेंड करता हूँ, लेकिन जी हुन कन्विंस नहीं होती। फिर इसके बाद यूनसू की मॉम की आत्मा यंगमिन के पास आती है। यूनसू को जब वो ये बात बताता है तो वो मानती ही नहीं, पर जब उसकी मॉम वो बातें शेयर करती है जो सिर्फ यंगसू जानती हो तो उसे मानना पड़ता है। फिर वो एक रोड ट्रिप पे जाते हैं साथ में, जो कि उसकी मॉम का आखिरी सपना था अपनी प्यारी बेटी के साथ एक लॉन्ग ट्रिप पे जाने का, जिसके बाद वो भी गायब हो जाती हैं एंड वो दोनों दोबारा अपने घर आ जाते हैं। बट ऑलरेडी घर पे डॉक्टर दोजिन आए हुए थे। वो कहते हैं मुझे तुम्हारी दादी ने बुलाया था। वहाँ जी उन गौर करती है वो छिप कर घर पे छानबीन कर रहे हैं। उसका शक उन पर बढ़ता जाता है एंड तभी हम देखते हैं डॉक्टर दोजिन ने अंधेरी जगह में जंगवू को बांध कर रखा था, यानी कि वही इन सब के पीछे है। जी उन अकेले में नर्स हायुन के कमरे में जाती है एंड देखती है कि वो बाइक एक्चुअली में उन नर्स की थी और ये राज बताकर वो यंगमिन से कहती है उन्हें कहो सच बताने कौन है असली कातिल वरना तुम ये फोटो ऑफिसर्स को दे दोगे। वो बिल्कुल ऐसे ही करता है, लेकिन तब तक डॉक्टर दोजिन यंगमिन को मार कर किडनैप कर लेते हैं एंड उसके सामने वहां वो रिवील करते हैं कि सब कुछ उन्होंने खुद किया, उसकी मॉम को भी उन्होंने ही मारा और जी हुन को भी। वो अपनी इविल स्माइल में कहते हैं जब मैं उन्हें मार रहा था तब तुम मुझे उनका लाइफ सेवर समझ रहे थे, तुम प्रार्थना कर रहे थे कि मैं उनकी जान बचा लूं जबकि उन्हें मारने वाला तो तुम्हारे सामने खड़ा था। कितनी अजीब बात है ना कि तुम इतने दिनों से अपनी मॉम की कातिल को रिस्पेक्ट दिए जा रहे थे। यहाँ से हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं एंड ये सब कुछ शुरुआत से देखते हैं कि कैसे हर रोज यंगमिन की मॉम मिसुक टैक्सी चलाने जाती थी, लेकिन उस वक्त यंगमिन अपनी मॉम से हमेशा बुरी तरह पेश आता क्योंकि उसे बुरा लगता था ये देख कि उसकी मॉम टैक्सी ड्राइव करती है, तब जाकर घर पे पैसे आते हैं एंड घर की किश्तें वो भर पाते हैं। उसे सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बीच जी हुन दरअसल एक ऑफिसर थी एंड बाकी ऑफिसर के साथ मिलकर उन्होंने टैक्सी ड्राइवर्स को अपने टीम में शामिल कर लिया था ताकि वो साथ में चोरों को पकड़ सके, इसलिए मिसुक जी हुन की अच्छी दोस्त थी। एक बार मिसुक ने जी हुन को अपना हेयर बैंड दिया था और उसी के साथ वो एक पार्टी में आती है। वो पार्टी दरअसल
उनके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था, जिसमें वो हॉस्पिटल की नर्स हायुन से इनडायरेक्टली एक विक्टिम की जानकारी निकालने आई थी। वो विक्टिम दरअसल जीहुन की फ्रेंड थी, लेकिन वहां पर हायुन जीहुन को अपने घर लेकर आ जाती है। वहां डॉक्टर दोजिन भी मौजूद थे और उन्होंने उसे ऐसी ड्रिंक्स पिलाई जिससे वो बेहोश होने लगती है। तभी दोजिन बाहर निकलते हैं जो वहीं मौजूद थे। वो उसका वीडियो बनाकर उसे जान से मारने वाले थे, जैसे वो बाकी सभी के साथ करते हैं। लेकिन जीहुन उन्हें धक्का देकर भागते हुए नीचे आ जाती है। नीचे कोइंसिडेंटली मिस सुक की टैक्सी खड़ी थी। वो जीहुन की मदद करती है अंदर बैठने में, लेकिन तब तक डॉक्टर दोजिन वहां आ जाते हैं। इस बीच मिस सुक अपने बेटे से फोन पे बात करी थी। वो भागते हुए ड्राइवर सीट की ओर जाती है, पर तभी बाइक में कोई शख्स उन्हें उड़ाकर मार देता है। उनकी आवाज सुन यंगमिन पास में ही था जो भागता वो वहां पहुंचता है। और इस दौरान डॉक्टर दोजिन गाड़ी के अंदर देखते हैं तो जीहुन मर चुकी थी, इसलिए वो एम्बुलेंस में मिस सुक के साथ चले जाते हैं और रास्ते में ही वो उन्हें मार देते हैं। यंगमिन दूसरी टैक्सी में अपनी मॉम का पीछा करता है, एंड वहीं जो उसकी मॉम की टैक्सी थी उसके अंदर जीहुन थी। वो मरी नहीं थी बल्कि बस बेहोश हो गई थी। हम देखते हैं वही बाइक वाला शख्स उसे मिस्टर कैंग के घर पे छोड़ आता है जब तक उसका इलाज करवा रहे थे। एंड जो फोन उस टैक्सी में छूट गया था वो दरअसल जीहुन का ही था, जिससे उसकी आत्मा बाद में जाकर जुड़ गई। या हमें ये भी पता चलता है मिस्टर ब्यून जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था उनकी मौत के पीछे भी डॉक्टर दोजिन ही शामिल है। उसने ही उन्हें भी मारा था। उसने आज तक कितने लोगों को मारा ये कोई नहीं जानता, पर वो अपने विक्टिम्स की वीडियो जरूर बनाता था। उन्हें तड़पते हुए देखकर उसे खुशी मिलती थी, क्योंकि वो एक साइकोपैथ था जिसे लोगों की जान बचाना और निमारना दोनों बहुत पसंद था। एंड वहां पर ये सारी वीडियोस वो यंगमिन को भी दिखाता है कि कैसे उसने उसकी मॉम को मारा, कैसे उसने जीहुन को मारा और कैसे उसने उसकी दोस्त उन ओल्ड लेडी जिन्हें अल्जाइमर था उन्हें भी मारा। वो लोगों को मारने के लिए एक इंजेक्शन का यूज करता था जिसमें मेडिसिन होते थे, और ये मेडिसिन का सप्लायर और कोई नहीं बल्कि जंगवू था। लोगों को मारने के बाद उसका बाकी काम हायुन देखती थी। एंड यहां समझ पाते हैं आखिर क्यों डॉक्टर दोजिन जंगवू को वहां से निकालना चाहते थे, क्योंकि जंगवू एक रिबेल बन गया था और वो उनके साथ अब और काम करना नहीं चाह रहा था। इसीलिए दोजिन ने जंगवू और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को मार दिया और जंगवू को यहां पर बांध दिया। पूरी कहानी बताने के बाद डॉक्टर दोजिन फांग लगा भाग जाते हैं। जीहुन उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है। ऐसी सिचुएशन अचानक उसके पास एक अलग ताकत आ जाती है जिससे वो किसी तरह से बचा पाती है। तब तो ऑफिसर्स भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि यंगमिन ने अपनी लोकेशन मिस्टर कैंग को पहले ही दे दी थी ताकि वो दोनों एक दूसरे को ट्रैक कर सकें। यंगमिन को तो वो बचा लेते हैं, पर अब तक जंगवू वहां पर मर चुका था। डॉक्टर दोजिन बाहर से सब कुछ देख लेते हैं। एंड हायुन से आकर कहते हैं कि अब उसका क्या होगा। ऑफिसर्स को पता चल चुका है कि दोजिन ने ही सब कुछ किया है, जिसपे हायुन कहती है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो दोजिन को कुछ भी होने नहीं देगी। वहीं घर आकर जीहुन कमरे में खुद को बंद कर बहुत रोती है, क्योंकि उसकी वजह से यंगमिन की मॉम की मौत हुई थी। अब अगले दिन हम देखते हैं डॉक्टर दोजिन खुद ऑफिसर्स के पास आ गया था, लेकिन बिना किसी सबूत के ऑफिसर्स को उसे छोड़ना पड़ता है। दरअसल आई विटनेस विदाउट सीसीटीवी के कोई भी यूजफुल नहीं है। दोजिन इसी वजह से बचकर निकल जाता है। एंड हाई उनसे डिस्कस करता है कि यंगमिन के पास जरूर कुछ तो है जिससे वो ये केस सॉल्व कर पा रहे हैं। हायुन कहती है हाँ मैंने भी उसे खुद से बात करते हुए देखा है। वो लोग इसीलिए आधी रात को यंगमिन की टैक्सी में एक हिडन कैमरा लगा देते हैं, और अब हर वक्त दोजिन यंगमिन को देख पा रहा था। इस दौरान जंगवू और उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा यंगमिन और जीहुन से मिलते हैं। जंगवू बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो दोजिन से बदला लेना चाह रहा था, क्योंकि उसने ना सिर्फ जंगवू को मारा बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी जान से मार दिया। यंगमिन कहता है एक काम मैं जरूर करूंगा, तुम्हारा बदला मैं लूंगा, वो उसे वादा करता है। एंड फिर जंगवू और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से गायब हो जाते हैं। यंगमिन को एक आइडिया देती है कि जंगवू के पास एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें दोजिन के खिलाफ सबूत उन्हें मिल जाएंगे। वो लोग उसके पुराने घर से उस रिकॉर्डिंग को लेकर आते हैं, और यह देख दोजिन बहुत सारा डर जाता है। उसे समझ में आ गया था कि अब ऑफिसर उसे पकड़ लेंगे, इसलिए वो एक सीक्रेट जगह पे जाकर छिप जाता है। यंगमिन सोचता है आखिर रिकॉर्डिंग वाली बात दोजिन को कैसे पता चली, जब वो कहीं जाकर छिप गया जरूर वो उसे ट्रैक कर सकता है। इसलिए वो अपनी टैक्सी में जाता है और वहां लगे हिडन कैमरा को देख समझ जाता है कि दोजिन इतने देर से उस पर जासूसी कर रहा था। वो कैमरा में देखकर कहता है दोजिन इंतजार करना मैं आ रहा हूँ। अब वो सोचता है दोजिन तक पहुंचने का एक ही तरीका है। वो हायुन को जाकर कहता है हमारे पास सबूत है और हम दोजिन को ढूंढकर मार देंगे, तो जो करना है कर लो। हायुन ये सुन डरते हुए तुरंत दोजिन के पास पहुंचती है उसे ये बात बताने के लिए। वो दोनों पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। एंड हायुन दोजिन के कहने पर वहां से कहीं चली जाती है, और तभी यंगमिन दोजिन को पकड़ने के लिए जाता है, वरना ऑफिसर्स के आने तक वो यहां से भाग निकलता। उनकी हाथाफाई में वो फोन दोजिन के हाथ लगता है, एंड उस फोन को हाथ में पकड़ते ही दोजिन भी जीहुन को देख पा रहा था। उसका माइंड ब्लो हो जाता है कि जीहुन अब भी जिंदा कैसे है। उसे समझ आता है कि जीहुन की आत्मा है और यही उसकी शुरुआत से मदद करेगी है। यंगमिन तुम तो कई कदम आगे थे पर अब नहीं। वहां पर वो उस फोन को जला देता है, जिसे जीहुन यंगमिन की आंखों के सामने से गायब हो जाती है हमेशा के लिए। तब तक ऑफिसर्स आकर दोजिन को पकड़ लेते हैं, पर वहां पर वो बहुत खुश था कि वो जीत गया। यंगमिन को रोता देख मिस्टर कैंग कहते हैं आखिर हुआ क्या है। यंगमिन कहते हैं आपकी बेटी की आत्मा मेरे साथ थी पर अब वो नहीं रही,
शुरुआत से वही मेरी मदद करी थी। आपके घर पर भी वो मेरे साथ आई थी। मिस्टर कैंग कहते हैं, मेरे साथ चलो। वो उसे सीक्रेट कमरे पर लेकर आते हैं। एंड जी उनको जिंदा देख यंग मैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन दूसरी तरफ हायुन अगले दिन पुलिस स्टेशन में आकर सारे इल्जाम अपने से लिए दोजिन को बचा लेती है। दोजिन को वापस अपने डॉक्टर वाला काम मिल जाता है। एंड उस रात हायुन जेल में अपनी जान दे देती है, जिस बात से ऑफिसर्स पूरी तरह से शॉक रह गए थे। दूसरी तरफ दोजिन को अगले दिन पता चलता है उनके हॉस्पिटल में जीहुन को एडमिट करवाया गया है। वो इतने वक्त से कोमा में कहीं और थी। ये सुन वो उसे छिपकर मारने के लिए जाता है ताकि एक बार में अपने से जुड़े सारे सबूतों को खत्म कर सके। पर तभी जीहुन अपनी आंखें खोलती है और कहती है, हेलो। वो एकदम डर जाता है। तभी यंग मिन उसे पकड़ने भागता है। सारे अफसर और यंग मिन मिलकर दोजिन को पकड़ नहीं पाते। वो सूरी को नाई पॉइंट पे लिए कार से वहां से भाग निकलता है। उनके बीच एक लंबी चेज होती है। रास्ते में दोजिन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे वो लोग पकड़ लेते हैं। आखिरकार वो उनके आगे हार चुका था। इसके बाद जीहुन और यंग मिन फाइनली एक साथ आ जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर दोजिन को सेल में कुछ आत्माएं आकर एक दर्दनाक मौत देती है। जिन भी लोगों के साथ उसने बुरा किया था ये उन आत्माओं का बदला था। फिर जीहुन दोबारा ऑफिसर वाला काम ज्वाइन करती है। लेकिन सीनियर ऑफिसर आज उसे एक दिन का ब्रेक देते हैं जिसपे वो डेट पे जाती है। इस बार वो एक इंसान थी और साथ में वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। यंग मिन इसके बाद एक शमन के पास आता है ये पूछने कि सारी स्पिरिट्स को मैंने देख लिया लेकिन मेरी मॉम कभी मेरे पास क्यों नहीं आई। वो कहते हैं क्योंकि वे एक जगह में कैद है, उनका आखिरी सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें वो वहीं पर मिलेंगी। वो दोनों वहां के लिए निकल जाते हैं। शमन ने कहा था वो जगह एक रेस्टोरेंट होगी। यंग मिन एक खास रेस्टोरेंट पहुंचता है। अंदर उसे आखिरकार अपनी मॉम मिलती है। वो अपने बेटे को सालों बाद देख वो रोने लगती है। वो कहती है मुझे यकीन था कि तुम एक ना एक दिन यहाँ जरूर आओगे। जीहुन वहां उन्हें देख माफी मांगती है उनसे, जिस पर वो कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं है। जीहुन कहती है मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपकी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जितना प्यार आप उसे करती थी उतना ही प्यार मैं उसे करूंगी। एक बार फिर मुझे माफ कर दीजिए, शायद अगर मैं उस दिन आपसे नहीं मिली होती तो आप आज जिंदा होती। यंग मिन की मॉम कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वहां उसकी बात सुनकर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि बेटा जीहुन के साथ हमेशा खुश रहेगा। जिसके बाद वो अपनी आखिरी प्रॉमिस को पूरा करती है। ये प्रॉमिस था अपने बच्चे के लिए उसका फेवरेट खाना बनाना और ये खिलाते ही वो इस दुनिया से गायब हो जाती है। ये सीन सच में बहुत ही इमोशनल था। अब अगले दिन ग्रैंडमा घर पर खाना तैयार करी थी। वो इमेजिन करी थी कि यहाँ यंग मिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर खाने पे आया है। तभी उनकी आंखें खुलती है क्योंकि ये तो बस उनका एक सपना था। तभी डोरबेल बजती है और सच में सामने यंग मिन अपनी गर्लफ्रेंड जीहुन के साथ आया हुआ था। वहां वो जीहुन को दिखाती है तुम तो सपने वाली लड़की हो। फिर लास्ट सीन में जीहुन को एक केस की लीड मिलती है और वो यंग मिन इसे सॉल्व करने निकल जाते हैं। शाम को टैक्सी में एक पैसेंजर लेते हैं जो कि एक घोष निकलती है। जीहुन उन्हें नहीं देख सकती थी क्योंकि अब वो एक इंसान बन चुकी थी। पर यंग मिन उन्हें देख पाता है और वो उनसे कहता है क्या आपके पास पैसे हैं। वो कहती है हाँ। जीहुन कहती है तो चलो शुरू करते हैं हमारी घोष टैक्सी। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी का हमें ये दिखाता है कि वो लोग ऐसे ही घोष टैक्सी से आत्माओं की आखिरी इच्छाओं को पूरा करेंगे जिसके बदले उन्हें बहुत से पैसे मिलेंगे। ये कहानी सच में बहुत ही प्यारी थी एंड साथ ही इमोशनल भी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।